हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। काशी वो नगरी जो अपनी पुरानी परंपराओं और पौराणिक कथाओं के लिए मशहूर है। आज देव दीपावली है जिसमें शामिल होने के लिए पीएम काशी जा रहे हैं। देव दिवाली के मौके पर कैसी लगेगी काशी, जहां एक साथ 11 लाख दिए जगमगाएंगे। मोक्ष की नगरी काशी के घाट प्रधानमंत्री के स्वागत में सजकर बिल्कुल तैयार है। मान्यता है कि देव दीपावली को भगवान 4 महीनों की नींद से जागते हैं और नींद में बीती असली दिवाली को आज के ही दिन मनाते हैं। पीएम मोदी ने इस मौके को अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने, विकास के काम का जायजा लेने के साथ साथ इस दौरान सार्वजनिक बैठक भी वो करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा होगी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। शाम को कुछ ऐसे दृश्य वहां पर देखने को मिलेंगे जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाले होंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, वाराणसी में आप मौजूद हैं, शाम को तो जो मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य होगा वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कल से ही उसकी झलकियां भी दिखनी शुरू हो गई थी। क्या कुछ आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को और क्या तैयारियां? आदर्श, देखिए सचमुच में ना आप जो बात कर रहे थे काशी की, बनारस की, वाराणसी की, अद्भुत नगरी है। और जब मोदी ने इसीलिए तो इसको अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। आज जब वो आ रहे हैं ना, 6 साल से वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन ये जो देव दिवाली के लिए जो अभी घाटों पर ये जो देख रहे हैं ना तैयारी, अभी तो उजाला है तो आपको बहुत कुछ नहीं दिख पा रहा होगा। शाम के वक्त जब दियों की रोशनी में जगमग होगा ना ये 84 घाटों के बीच में अर्धचंद्राकार बना हुआ ये वाराणसी ना, आप कहिएगा कि अद्भुत। वो कहते हैं ना कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान जो है ना, देवता, सभी देवता काशी में गंगा की घाट पर आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दृश्य होगा। और मोदी जब क्रूज से एक घाट से लेकर के दूसरे घाट तक जब जाएंगे, सबसे पहले वो राजघाट पर दिए जलाएंगे, फिर ये जो अभी तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा आदर्श, ये कारों का, गाड़ियों का काफिला है, यहीं आएंगे मोदी और यहाँ से वो विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि यहाँ से गंगा के किनारे में गंगा स्नान करने के बाद आप यहाँ से सीधे सीधे विश्वनाथ मंदिर के शिखर को देख पाएंगे। तो ये अद्भुत छटा है अभी घाट के किनारे में, जब आज मोदी देव दिवाली के दिन यहाँ आ रहे हैं। आदर्श जी, पंकज तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, किस तरह से और व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, क्योंकि सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे थे सब कुछ देखने के लिए कि तैयारियां किस तरह से पूरी की गई हैं। और इस वक्त अब कुछ घंटों का वक्त बचा है, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, 2:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, बनारस को लोग क्यों जानता है? बनारस को लोग जानता है गंगा की वजह से, गंगा मैया के कारण। यहाँ पर गंगा में स्नान, ध्यान, पूजन, उसका जितना बड़ा महत्व है कहीं और नहीं है। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर, जहाँ वहाँ भी जाएंगे वो, वहाँ पूजा अर्चना भी करेंगे। और आज दो बड़े तोहफे के तौर पर अगर आप देखें ना, काशी को प्रयागराज से जोड़ने वाला जो 6 लेन है उसका वो उद्घाटन करेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे देखने के लिए, उसमें जो काम हो रहा है। तमाम विवाद रहे लेकिन एक बात मान लीजिए, वो पूरा हो जाएगा ना तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का महत्व तो बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग यहाँ आते हैं ना दर्शन के लिए, 11 ज्योतिर्लिंग में से एक, वो उनकी जो तमाम कष्ट होते थे वो खत्म हो जाएंगे एक बार ये कॉरिडोर बन जाएगा तो। आदर्श जी, पंकज भव्य तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और शाम को ये तस्वीरें और दिव्य होने वाली हैं। आप रहे हमारे साथ, रणवीर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणवीर, कल से आप दिखा रहे हैं तस्वीरें हमें, वो कल की ही तस्वीरें बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली थी, आज की तैयारी क्या है? तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले कि लोग जो काशी को आज देखेंगे, क्योंकि आज देवों के आगमन का भी दिन है, जब काशी को देखेंगे तो किस तरह से देखेगी काशी, कितना भव्य और दिव्य होगा नजारा? देखिए आज तो काशी का दिन है और तैयारियों का सिलसिला अगर दिखाना हो तो सबसे पहले मैं अपनी बाईं तरफ ये आकाशदीप दिखाऊंगा। जब बिजली नहीं हुआ करती थी तब से देव दीपावली का आयोजन बनारस के घाटों पर होता है, और तब जब बिजली नहीं थी और ये आकाशदीप बांस के ऊपर लटका कर जलाए जाते थे घाटों पर। और इसके अलावा अगर आपको दिए दिखाऊं तो लाखों दिए, 10 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। और उसकी तैयारियां देखिए, 80 घाट पर मैं मौजूद हूं और यहां पर दिए सजाए जा चुके हैं, तेल के गैलन आके रखे हुए हैं। और यहां पर अब जैसे ही शाम ढलती जाएगी उन गैलन से तेल डाला जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजघाट पर पहला दिया जलाएंगे, उसके बाद 84 के 84 घाटों पर इसी तरह से दिए जला करके
देव दीपावली का आयोजन होगा। तो तैयारियां पूरी हैं, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और सामने जरा नजारा देखिए, जलपरी गुजर रही है। ये जलपरी बनारस की पहचान बन चुकी है। जब गंगा में ये जलपरी गुजरती है तो देश विदेश से आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये जलपरी भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी और प्रधानमंत्री खुद क्रूज पर मौजूद होंगे। तो ये वही जगह है जो अस्सी घाट का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब बनारस आए थे तो फावड़ा चला के स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने यहां से की थी, और उसके बाद से ये जो पूरे बनारस के घाट हैं, इन घाटों को सजाया सवारा गया और आज इतने विकसित और बड़े हो चुके हैं कि इसको देखते ही बनता है। और यहीं पे शाम को आरती भी होती है, तो तैयारियां पूरी हैं, दिए लगाए जा चुके हैं, दियों में तेल डलेगा और शाम को जब प्रधानमंत्री दिया जलाएंगे तो उसके साथ ही दीपोत्सव होगा। पहले तस्वीरें दिखाने के लिए मैं और आप रहे रणवीर हमारे साथ, रणवीर भी जुड़े हैं, पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। और पंकज झा, अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त नाव में सवार है और बिल्कुल वैसे ही नाव यात्रा कर रहे हैं जैसे शाम को क्रूज पर पीएम मोदी करने वाले हैं। उनसे जानेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको नाव से कैसी दिख रही है काशी। छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। स्वागत है आपका, और देखिए सीधा आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे वाराणसी। आज देव दीपावली है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए भव्य रूप से काशी को सजाया गया है। और जब शाम को वहां पर एक साथ 11 लाख दिए जलेंगे तो वो नजारा अद्भुत होगा, सबको इस नजारे का इंतजार है। उसके पहले तैयारियां क्या है जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का। पंकज, नाव पर मौजूद हैं आप और ऐसे ही आज पीएम भी क्रूज पर जो घाट का नजारा होगा वो देखने वाले हैं, जो भव्य नजारा होगा। हम चाहेंगे कि आप जरा नाव से ही दिखाएं हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें और कैसे वो अद्भुत तस्वीरें होंगी, शाम को थोड़ा समझाएं भी। वहां जाएंगे और फिर वहां से वापस दिल्ली जाएंगे, तो कुल मिलाकर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। आदर्श, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पंकज, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो देखिए, ये जो सामने आपको घाट दिख रहा है ना, ये जो भगवा कपड़ों में सजा हुआ, वहां गंगा आरती होती है। दो घाट हैं वहां पे, हरिश्चंद्र घाट है, राजेंद्र घाट है और दशाश्वमेध घाट है। और ये देखिए जो नाव सब है ना, एक तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 किलोमीटर तक क्रूज से निकलेंगे, तो इस पहली बार मैं देख रहा हूं कि गंगा नदी के बीच में ना, जैसे आप हाईवे पे देखते हैं बैरिकेड, एक तरीके से डिवाइडर बना दिया जाता है, वैसे ही डिवाइडर बना दिया गया है। उस तरफ मोदी क्रूज से सवारी करेंगे गंगा के किनारे किनारे, जो आज देव दीपावली की छटा देखते हुए, जो अलौकिक धार्मिक वैभव का प्रतीक है ना देव दीपावली, उसको देखते हुए ये जो जगह आपको काफिलों का दिख रहा है, गाड़ियों के काफिले का, यहाँ से वो विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, यहाँ वो बाय रोड जाएंगे। तो पूरे ये जो अर्ध चंद्राकार जैसा है ना, ये आपको बताऊं कि वहां जाएंगे रविदास घाट तक, वहां रविदास घाट और राजघाट पे दिए जलाएंगे और वहां से लेकर के रविदास घाट तक। पहले कल के जो कार्यक्रम था उसमें रविदास घाट नहीं आना था प्रधानमंत्री को, लेकिन संत रविदास के यहाँ माल्यार्पण करेंगे। दलित चेतना और अस्मिता का वो प्रतीक माने जाते हैं संत रविदास, तो उनके भी नाम को बाद में जोड़ा गया। ये पहला मौका है ना आदर्श, जब देव दीपावली में मोदी काशी में होंगे। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और उस वक्त सीधा वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से वाराणसी को सजाया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं, और ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त वहां पर तैयारी की जा रही थी, और आज शाम को भी वहां ऐसा ही भव्य नजारा दिखने वाला है जब लाइट एंड साउंड शो वहां पर होगा और 11 लाख दिए एक साथ वाराणसी के सभी घाटों पर जलेंगे। आज देवों के आगमन का दिन है और इसलिए देव दीपावली के मौके पर हर साल वाराणसी को खास तौर पर सजाया जाता है, और ऐसे में खुद पीएम मोदी आज वहां पर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार वो वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत में वाराणसी को और खास तौर पर सजाया गया। रणवीर, किस तरह की तैयारी, कैसे भव्य दिखेगी वाराणसी आज शाम को, जरा हमारे दर्शकों को एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए कल हमने छोटा सा नमूना दिखाया था जब लेजर शो हुआ था, और आज की तस्वीरें देखिए। ये देखिए बीएचयू की लड़कियां हैं जो यहाँ पर रंगोली सजा रही हैं, और रंगोली में तरह तरह की आकृतियां हैं, तो यहाँ पे मछली बन रही है और बगल में भी कोई डिजाइन बना हुआ है, तो घाट पे रंगोलियां भी सज रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ जो घाट की सीढ़ियां हैं उन पे फूलों से भी सजावट की गई है, और इसके अलावा बहुत रेस्ट्रिक्टेड लोग हैं जिनको आज यहाँ आने का मौका मिला है, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है और कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भीड़ तो जरूर कम है लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। जरा नीचे चलते हैं, इन लड़कियों से बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आई हैं और कौन कौन सी रंगोली बना रही हैं। तो आप देखिए कि तैयारियां कितनी भव्य है, प्रधानमंत्री के आगमन में अब बहुत जरा सा टाइम बचा हुआ है, और घाट पर शाम को जब वो आएंगे तो उनको स्वागत करने के लिए आप देखिए यहाँ पर शायद मछली बनने से पूछते हैं, आप लोग क्या बना रहे हो? डॉल्फिन बना रहे हैं। तो देखिए ये बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर ये डॉल्फिन बना रहे हैं। तो गंगा जी में
जब से नदी साफ सुथरी हुई है बहुत सारी डॉल्फिन भी देखी गई है, तो एक पहचान भी यहाँ पे वाराणसी की जो है वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले देखने को मिल रही है। आदर्श,